फिर का पहला दिन है और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ सदन से बाहर और कहते हैं सत्र छोड़ता है सरकार चर्चा से भागती है और खुद ही नहीं आ रहे हैं। फिर अब क्या कहें उनके लिए, अपने आप को संसदीय ज्ञान का मर्मज्ञ बताते हैं, कहते हैं मेरी पीएचडी है, मैं संसदीय कार्य मंत्री रहा हूं, बड़े सदन का रहा हूं। प्रारंभ वाले ही दिन अनुपस्थित, पता नहीं कैसा लगेगा कांग्रेस के विधायकों को कि सेनापति ही नहीं। जनहित से जुड़े मुद्दे उठाने में कभी रुचि कांग्रेस और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की रही ही नहीं है। आप जब तक वो नेता प्रतिपक्ष रहे उनका एक कार्यकाल भी देख लीजिए जब उनका किसी जनहित के मुद्दे पर भाषण हुआ हो या आया हो। केजरीवाल ये कह रहे हैं कि साहब उनको एक ऑटो वाले से नहीं मिलने दिया गया, गुजरात में उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ, भोजन करना चाहिए। देखो केजरीवाल जी से बड़ा नौटंकीबाज आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, देश की तो बात ही अलग है। एक तरफ गुहार लगा रहे थे कि मोदी जी हमें सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे और दूसरी पार जनता को जाकर के इस तरह का स्वांग रच रहे थे। अब दिल्ली की जनता उन्हें समझ गई है कि ये जो भ्रम फैला के राजनीति करते हैं अब ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है और अब केजरीवाल एक्सपोज हो गए। आरएसएस की लेकर में आग लगाने वाली घटना सामने आई जो सोचकर है जो उसको लेकर काफी विवाद बन रहा है और बीजेपी और आरएसएस इस पर तीखी प्रतिक्रिया है। देश के बंटवारे के वक्त जिस पार्टी ने आग लगाई, 84 के दंगों में जिन्होंने सिखों के गले में टाई डालकर उन्हें जलाया, अगर ये लोग निक्कड़ में आग लगा रहे हैं तो इसमें अचंभा कैसा है। 72 सालों तक कश्मीर सुलगता रहा, कौन था पीछे? पूर्वोत्तर के राज्य थे, उनके अंदर राजनीतिक रोटियां अशांति फैला के खेलते रहे, ये कौन था? कांग्रेस। पंजाब के अंदर आतंकी गतिविधियां चलाने वाले, स्वर्ण मंदिर पर प्रहार करने वाले कौन थे? कांग्रेस। दाऊद जैसे आतंकियों को पालने वाली कौन है? तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले देश में कौन है? ये कांग्रेस है। अगर ये निकर पे आग लगा के अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं तो ये इनकी प्रवृत्ति और इनसे उम्मीद क्या की जा सकती है।